हे एवरीवन, वेलकम टू एमएनएसएस एम। सो श्योरली आप अपने एमएनएस एग्ज़ाम 2022 की प्रिपरेशन कर रहे होगे, ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स मंथ ऑफ जनवरी। ओके, सो इन दिस वीडियो एज यू ऑल कैन सी द थंबनेल, इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताऊंगी एप्लीकेशन फॉर्म की एंड एग्ज़ाम डेट की। इसमें हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं क्योंकि एक इंडियन आर्मी की तरफ से मेल आया है। आई नो इस मेल को मतलब थोड़े दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए, बट एग्जैक्ट डेट, एग्ज़ाम डेट एंड एग्जैक्ट एप्लीकेशन डेट मैं आपको ऐसे नहीं जस्ट गेस करके नहीं बता रही हूँ, प्रीवियस ईयर से प्रीवियस ईयर को मैं कंपेयर करते हुए बता रही हूँ। सो इस डेट में जो मेल था इंडियन आर्मी को, काफ़ी स्टूडेंट्स ने मेल सेंड किया था रिगार्डिंग दी एप्लीकेशन फॉर्म कि फॉर्म्स कब रिलीज़ होंगे। तो जॉइंट इंडियन आर्मी की तरफ से एक मेल आया था जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि द नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन फॉर 2022 हैज़ नॉट बीन रिलीज्ड येट, सो प्लीज़ वेट टिल फेब 2022। तो जैसे लास्ट ईयर हुआ था 17th of Feb, इफ़ यू गाइस रिमेंबर 17th of Feb को एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है रिलीज़ हो गए थे फॉर MNS 2021 एग्ज़ाम, एंड 17th Feb से 18th of March तक ये विंडो ओपन थी फॉर रजिस्ट्रेशन और या एप्लीकेशन फिल करने के लिए। एंड जो एग्ज़ाम डेट थी हमारी जो उस टाइम आई थी वो थी लास्ट वीक ऑफ अप्रैल और फर्स्ट वीक ऑफ मई, इतना बोला था। बट ड्यू टू कोविड जो अप्रैल वाला एग्ज़ाम था वो पोस्टपोन करना पड़ा और वो हुआ था 28th of July को, ठीक है। तो इस बार भी कुछ ऐसा सेम हो रहा है कि जो फॉर्म्स हैं वो रिलीज़ होंगे फेब में। एंड मैं अगर आपको बताऊं कि इसके पीछे क्या लॉजिक है फॉर्म्स क्यों फेब में रिलीज़ हो रहे हैं, क्योंकि जो 2021 का एग्ज़ाम हुआ था जो जुलाई में, उसके जो एडमिशन प्रोसेस हैं वो दिसंबर में कंप्लीट हुए, ठीक है, दिसंबर तक चल रहे थे क्योंकि कुछ बच्चे आरएमबी के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको टाइम लगता है ऐसे, तो दिसंबर तक ये प्रोसेस चल रहा था, तो इसलिए इतने जल्दी फॉर्म रिलीज़ नहीं हुए। और जो फॉर्म रिलीज़ होंगे आपको फेब में कभी भी रिलीज़ हो सकते हैं, इन्होंने ऐसा कुछ वीक मेंशन नहीं किया है, बट आप फेब में मिड फेब तक लेके चलो रिलीज़ हो जाएंगे। बट यहाँ पे टर्निंग पॉइंट किया आता है कि एग्ज़ाम आपका क्या जुलाई में होगा, तो नो, आपका एग्ज़ाम जो है वो जुलाई में नहीं होगा, एग्ज़ाम आपका जो है वो अप्रैल में ही होगा। अप्रैल में कब होगा, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल से लेके फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक ऑफ मई तक कभी भी डेट आ सकती है। यू ऑल कैन से 21st अप्रैल से लेके 10 मई के बीच में, ठीक है, मतलब लास्ट वीक ऑफ अप्रैल से फर्स्ट और सेकेंड वे मई तक, मतलब ये मैक्सिमम है, तो इतने डेट तक एग्ज़ाम आपका होगा। ऑलराइट, सो इस बार तो बहुत सारे लोग वैक्सीनेटेड भी हो गए हैं, तो क्या पता, आई थिंक उसके अकॉर्डिंग गाइडलाइंस भी आए, तो एग्ज़ाम जो है वो आपका अप्रैल में होगा, जुलाई में नहीं होगा। आप ये मत सोचो कि लास्ट ईयर भी फेब में फॉर्म आया था एंड एग्ज़ाम जुलाई में होता, तो वो इसलिए हुआ था क्योंकि उस टाइम कोविड ज़्यादा था और लॉकडाउन थी। तो इस बार अभी कुछ ऐसा नहीं है, अभी लॉकडाउन अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका एग्ज़ाम जो होगा वो अप्रैल लास्ट वीक। अगर उनको एग्ज़ाम पोस्टपोन करना होगा तो इंडियन आर्मी कोई नोटिफिकेशन देगी, बट अभी तक के लिए आप ये मान के चलो कि आपका एग्ज़ाम अप्रैल लास्ट वीक में है और मई फर्स्ट वीक। ओके, सो काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे कि फॉर्म कब रिलीज़ होंगे, दिसंबर का मंथ हो गया क्योंकि पहले दिसंबर में होने वाले थे, बट अभी क्योंकि एप्लीकेशन जो है वो रिलीज़ नहीं हुए हैं बिकॉज प्रीवियस एडमिशन ही अभी तक चल रहे थे। ओके, सो आप ये एग्ज़ाम फॉर्म या फिर एप्लीकेशन इन सब के चक्कर में ना पड़ो, जब भी ये रिलीज़ होगा तब सबको पता चल जाएगा। मैं मेरे चैनल पे वीडियो डाल दूँगी या फिर कम्युनिटी सेक्शन में मैं डाल दूँगी और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूँगी, सो यू गाइस डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट कीप प्रिपेयरिंग। एंड अगर आप में से किसी ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो सर्च MNS is aim ऑन टेलीग्राम, वहाँ पे आपको मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम चैनल। और वन मोर थिंग, मुझे बहुत सारे सजेशंस आ रहे हैं फॉर मॉक टेस्ट कि मैम आप मॉक टेस्ट कब अपलोड करोगे, तो वेरी सून आई एम गोइंग टू अपलोड अ मॉक टेस्ट विच इज़ फ्री फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स। ओके, नाउ यू गाइस टेल मी इन विच फॉर्म यू वॉन्ट, PDF फॉर्म और वीडियो फॉर्म। सी, मैं वीडियो फॉर्म में इसलिए प्रोवाइड करती हूँ क्योंकि वीडियो फॉर्म में आपको जिस क्वेश्चन में डाउट हो मैं उसका ऑन द स्पॉट आपको आंसर भी कर देती हूँ, लाइक उसको समझा देती हूँ, बट PDF फॉर्म में ऐसा नहीं होता है, आपको बार बार गूगल पे जाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि शायद वीडियो फॉर्म जो है वो थोड़ा सिंपल है। और अगर आपके कोई और सजेशंस हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कोई आपका वीक सब्जेक्ट, तो डू कमेंट मी इन दी कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।